वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2019 कैसा फल देगा विस्तार से बताता हूं। सबसे पहले मैं वर्ष के आरंभ में ग्रहों की पोजीशन बताता हूं आपको। चंद्रमा और शुक्र तुला राशि के पहले ही भाव में बैठे हुए हैं। सेकंड हाउस में बुध और गुरु हैं। थर्ड हाउस में सूर्य और शनि हैं। फोर्थ हाउस में केतु है और छठे भाव में मंगल मीन राशि में बैठा हुआ है। राहु टेंथ हाउस में कर्क राशि में स्थित है। सबसे पहले बात करते हैं राशि स्वामी शुक्र की। राशि स्वामी शुक्र सबसे अधिक 9 भावों में शुभ फल देता है। केवल छठे, सातवें और दसवें भावों में, यानी कि 3 भावों में ही अशुभ फल देता है। शुक्र पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, आठवें, नौवें और ग्यारहवें तथा बारहवें भाव में गोचर करते समय शुभ फल देता है। शुक्र भोग विलास, ऐश्वर्या, वाहन का कारक है, विवाह का कारक है, पत्नी का कारक है। जातक को वाहन का सुख प्राप्त होगा, भौतिक सुख सुविधाएं देगा, शरीर निरोगी रहेगा, पति पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे, आपस में प्रेम बना रहेगा। अनमैरिड जातकों का विवाह हो सकता है। तुला राशि के जातकों को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। बुध चंद्र कुंडली से गोचर करते समय दूसरे, चौथे, छठे, आठवें, दसवें और ग्यारहवें भावों में शुभ फल देता है। 20 जनवरी से 7 फरवरी तक फोर्थ हाउस में मकर राशि में, 25 फरवरी से 15 मार्च तक तथा 12 अप्रैल से 3 मई तक मीन राशि के सिक्स्थ हाउस में, 18 मई से 2 जून वृष राशि के आठवें भाव में, 21 जून से 30 जुलाई तक तथा 3 अगस्त से 26 अगस्त तक कर्क राशि में दसवें भाव में गोचर करेगा। 26 अगस्त से 11 सितंबर तक सिंह राशि के 11th हाउस में गोचर करेगा तथा 23 अक्टूबर से 7 नवंबर तथा 5 दिसंबर से 25 दिसंबर तक ये वृश्चिक राशि में सेकंड हाउस में गोचर करेगा। बुध व्यवसाय में वृद्धि करेगा, बुद्धिमता में वृद्धि होगी, डिसीजन पावर अच्छी हो जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, व्यापार के लिए अच्छा समय है। अन्य भावों में बुध शुभ फल नहीं देता। गुरु चंद्र कुंडली से गोचर करते समय दूसरे, पांचवें, सातवें, नौवें और ग्यारहवें भावों में शुभ फल देता है। वर्ष के आरंभ में गुरु वृश्चिक राशि में यानी कि सेकेंड हाउस में गोचर कर रहा है। जातक की वाणी अच्छी होगी, जातक को धन लाभ होगा, कुटुंब के सदस्यों में प्रेम बना रहेगा, व्यवसाय में उन्नति होगी, नौकरी में प्रमोशन हो सकती है। गुरु सेकंड हाउस में यानी कि वृश्चिक राशि में 5 नवंबर 2019 तक गोचर करेगा। तीस मार्च से 22 अप्रैल तक गुरु धनु राशि में गोचर करेगा तथा वर्ष के अंत में 5 नवंबर से 31 मार्च तक थर्ड हाउस में गोचर करेगा। सूर्य चंद्र कुंडली से गोचर करते समय तीसरे, छठे, दसवें और ग्यारहवें भावों में शुभ फल देता है। सूर्य 15 मार्च से 14 अप्रैल तक मीन राशि के सिक्स्थ हाउस में, 16 जुलाई से 17 अगस्त कर्क राशि में 10th हाउस में, 17 अगस्त से 17 सितंबर सिंह राशि में 11th हाउस में और वर्ष के आरंभ में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक तथा एंड में वर्ष के अंत में 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक धनु राशि में 3rd हाउस में गोचर करते समय सूर्य शुभ फल देगा। जातक का मान सम्मान बढ़ेगा, नौकरी में प्रमोशन होगी, धन में वृद्धि होगी,
अन्य भावों में सूर्य गोचर करते समय शुभ फल नहीं देता है। शनि चंद्र कुंडली से गोचर करते समय तीसरे, छठे और ग्यारहवें भावों में शुभ फल देता है। वर्ष 2019 में शनि थर्ड हाउस में धनु राशि में ही पूरे वर्ष पर गोचर करता रहेगा और जातक को शुभ फल देगा। थर्ड हाउस में शनि का गोचर साहस पराक्रम में वृद्धि करेगा, जातक के रुके हुए काम बनने लगेंगे, धन की प्राप्ति होगी, भाई बहनों से अच्छे संबंध हो जाएंगे, जमीन जायदाद के कार्यों में लाभ होगा, मकान बनने की संभावना है, वाहन की प्राप्ति होगी। शनि 30 अप्रैल को वक्री होगा और 18 सितंबर को मार्गी होगा। इस समय शनि तुला राशि के जातकों को और भी अच्छा फल देगा। शनि का गोचर तुला राशि के थर्ड हाउस में गोचर करते समय बहुत शुभ फल देगा। शनि भी अच्छा फल दे रहा, गुरु भी अच्छा फल दे रहा। अब बात करते हैं राहु और केतु की। चंद्र कुंडली से राहु और केतु गोचर करते समय तीसरे, छठे, दसवें और ग्यारहवें भावों में शुभ फल देता है। वर्ष के आरंभ में राहु 10th हाउस में शुभ फल देगा। व्यवसाय में उन्नति होगी, नौकरी में प्रमोशन होगी, धन लाभ भी होगा। 23 मार्च से राहु भाग्य भाव में गोचर करेगा, व्यर्थ की यात्रा करा देगा। लेकिन 23 मार्च से केतु थर्ड हाउस में गोचर करेगा, साहस पराक्रम में वृद्धि करेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, धन वृद्धि होगी, लाभ की प्राप्ति होगी, शुभ फल की प्राप्ति होती रहेगी। मंगल, मंगल चंद्र कुंडली से गोचर करते समय तीसरे, छठे और ग्यारहवें भावों में शुभ फल देता है। मंगल 1 जनवरी से 6 फरवरी तक मीन राशि में छठे भाव में तथा 9 अगस्त से 25 सितंबर तक सिंह राशि में 11th हाउस में गोचर करेगा तथा शुभ फल देगा। 6th हाउस व 11th हाउस में गोचर करते समय मंगल रोग में कमी करेगा, ऋण में कमी करेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, भाइयों से मित्रों से लाभ होगा, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में लाभ होगा, जातक का अपना मकान बनने की भी संभावना है। वर्ष 2019 तुला राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ फल लाएगा। नमस्कार।